हेलो फ्रेंड्स, फ्राई किचन में आप सभी का स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और नए ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। नॉर्मली जो चीजें हमारे घर में होती है, हम उसी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाबेली की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो मीडियम साइज के आलू जिन्हें हमने बॉईल करके रख लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा, हींग, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ती। तो चलिए स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून हींग, अदरक और लहसुन का पेस्ट, डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 मिनट के लिए हम इसे भी इसी तरह से हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए आप। फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को हमें मसाले में अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करना है। इस तरह से दबाते हुए आलू को मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स, हमारी दाबेली की स्टफिंग एकदम तैयार है। हमने आलू को मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से ताजा हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, हम दाबेली बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ली है इमली की चटनी, धनिया की चटनी, मिक्स नमकीन और ये आलू की स्टफिंग। सबसे पहले हम पाव को इस तरह से तोड़ लेंगे और बीच में से चाकू से कट लगाते हुए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन्हें बिल्कुल अलग नहीं करना है, बीच में इस तरह से दबाते हुए हम स्पेस कर देंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है अच्छे से फिल हो जाए। अब हम इसमें लगाएंगे धनिया की चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी। अब हम इस पे हमारी जो स्टफिंग है आलू की वो अच्छे से फिल कर देंगे। इस तरह से दबाते हुए अच्छे से हमें फिल करनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं फिल कर रही हूँ। अब हम इस पे हमारी मिक्स नमकीन डालेंगे, ये देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ। अब एक बार फिर से हम मसाला इस पे डालेंगे और थोड़ी सी इमली की चटनी। अब हम इसे दबाते हुए अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब साइड में भी इसी तरह से हम ये जो नमकीन है वो लगा देंगे, ये देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये देखिए हमने दाबेली में स्टफिंग फिल करके इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे तवे पे फ्राई करेंगे। इस तरह से हम तवे पे बटर लगा देंगे फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इस पे रखेंगे दाबेली और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हम दाबेली को फ्लिप कर कर दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी दाबेली सेक कर एकदम तैयार है, ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।